वो उन्होंने जो गमन किया है बहुत गलत काम किया है। एसोसिएशन का पैसा कोई खा नहीं सकता, हमारी मार्केट में हम वो पैसा लेके रहेंगे और उसका मार्केट में पैसा, सारा पैसा मार्केट में लगाएंगे जिससे मार्केट का उद्धार हो। हम उनको बिल्कुल खाने नहीं देंगे, पैसा उनसे लेके रहेंगे और उनको निष्कासित किया जाएगा। मैं भाई साहब मार्केट का प्रधान हूँ, मैं अपनी मार्केट के लिए लड़ाई भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मार्केट की किसी भी दुकानदार की एक टेबल नहीं उठने दूंगा जब तक मैं यहाँ प्रधान हूँ। उत्तरी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केटों में शुमार दीपचंद बंधु सेंट्रल मार्केट में एसोसिएशन की आम सभा एवं अतिक्रमण को लेकर घमासान मचा हुआ है। अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार ने वर्तमान प्रधान ओम प्रकाश शांडिल्य पर आम सभा रद्द करवाने का आरोप लगाया, तो वहीं ओम प्रकाश शांडिल्य ने सुरेंद्र कुमार के आरोप का बेबाकी से जवाब देते हुए उन पर 32 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा दिया। पेश है आपकी न्यूज द्वारा इन गंभीर मुद्दों पर तैयार की गई ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्याम माहौर, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। उत्तरी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केटों में शुमार है दीपचंद बंधु मार्केट। इस मार्केट के अंदर चुनाव को लेकर और पिछले दिनों एक मीटिंग आम सभा जो कि यहाँ के पूर्व प्रधान एवीटीए के उन्होंने बुलाई थी, उस मीटिंग को जो वर्तमान प्रधान है ओम प्रकाश शांडिल्य उनके द्वारा उसको रद्द करवा दिया गया। उनके ऊपर ये आरोप लगाया पूर्व प्रधान ने। आज हमारे साथ में ओम प्रकाश शांडिल्य जी हमारे साथ में है, तो हम इनसे पूछते हैं कि आखिर वो जो सभा आम सभा वो उन्होंने रद्द क्यों करवा दी। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने कोई सभा उनकी रद्द नहीं कराई, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने होटल बुक ही नहीं किया था, और जब अगर उनकी बुकिंग ही नहीं है तो वो सभा कैसे हो जाएगी। आप हमें उनकी रसीद दिखा दीजिए, 21 तारीख की कोई अगर रसीद कटी हो तो हम उसके जिम्मेदार है कि हमने सभा कैंसिल कराई है। जब उन्होंने होटल की बुकिंग ही नहीं करी तो उसमें सभा होगी कैसे, ये बताओ। ये तो दुकानदारों को गुमराह किया जा रहा है और हमारे को बदनाम किया जा रहा है। हमने आम सभा बुलाने का प्रोसीजर क्या आपके इसके अंदर संविधान के अंदर? हमारे यहाँ पर जो भी आम सभा बुलाएगा, जो बुला सकता है वो जनरल सेक्रेटरी बुला सकता है, वो ऑथराइज है। उसके बिना एवीटीए का कोई भी सदस्य आम जनसभा नहीं बुला सकता। जैसा कि अभी आपने सुना कि ओम प्रकाश शांडिल्य जी ने कहा कि एवीटीए का जो संविधान है वो बताता है कि सिर्फ जो संस्था का महासचिव होगा वही सिर्फ मीटिंग बुला सकता है, उसी को अधिकार है आम सभा बुलाने का। तो आप हमें ये बताएं कि सुरेंद्र कुमार जो प्रधान थे पहले, उन्होंने आप कई तरह के आरोप लगाए हैं कि आप उगाही करते हैं यहाँ से वहाँ से, तो ये वहाँ वहाँ कौन सी जगह है भाई साहब? सबसे पहले तो ये है, सुरेंद्र कुमार एक्स प्रधान जिनके ऊपर एलिगेशन है, 31 लाख रुपए उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बैंक से निकाले हुए है। हमने जब उनसे हिसाब मांगा कि भाई आप 5 साल 7 साल का हिसाब हमें दीजिए, और हमने जब उनको एक नोटिस भी दिया, उनकी 10-15 हमने दिन वेट भी करी कि भाई आप दे दो, फिर उसके बाद हमने नोटिस भेजा उनको, उन्होंने गबन किया हुआ है हमारी एसोसिएशन से 31 लाख का। हमने उनको बार बार कहा, उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन अशोक विहार थाने में दी। जब थाने में उनको बुलाया गया, टाइट करा गया, तो उन्होंने 45,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए गए, तो चोर तो खुद साबित हो गए वो। अगर उन्होंने एसोसिएशन का पैसा निकाला है तो आप बताओ ना, हिसाब दे देते हमें, थाने में दे देते जब उनकी थाने में कंप्लेंट चल रही है, तो उन्होंने क्यों हिसाब नहीं दिया? अभी ओम प्रकाश शांडिल्य जी ने कहा नहीं बल्कि उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप लगाया, सुरेंद्र कुमार जो पूर्व प्रधान थे, कि उन्होंने संस्था का 32 लाख रुपये का गबन किया है। और मुझे एक जानकारी कहीं से हासिल हुई है कि 2016 के अंदर तरुण कुमार नाम का एक दुकानदार थे जो कि उस समय संस्था के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर 14,000 रुपये गबन करने का आरोप लगाया गया था। अब जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा, इन्होंने आरोप लगाया जो पूर्व प्रधान है सुरेंद्र कुमार, 32 लाख रुपये का गबन करने का, तो जब 14,000 रुपये का गबन करने वाले व्यक्ति को संस्था से सस्पेंड कर दिया गया था, तो 32 लाख रुपये का गबन करने वाले व्यक्ति साथ में क्या किया जाना चाहिए, ये संस्था के प्रधान से हम पूछते। सारी मार्केट बोल रही है उनको निष्कासित किया जाएगा,
वो उन्होंने जो गमन किया है बहुत गलत काम किया है। एसोसिएशन का पैसा कोई खा नहीं सकता, हमारी मार्केट में हम वो पैसा लेके रहेंगे और उसका मार्केट में पैसा, सारा पैसा मार्केट में लगाएंगे जिससे मार्केट का उद्धार हो। हम उनको बिल्कुल खाने नहीं देंगे, पैसा उनसे लेके रहेंगे और उनको निष्कासित किया जाएगा। ओम प्रकाश जी, मार्केट में ना चुनाव को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है, उनकी मांगे की जा रही है दुकानदारों द्वारा कि भैया चुनाव कब होंगे और कब किए जाएंगे। भाई साहब, चुनाव अभी कैसे होगा? मनोज माल्यान ने हमारे खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है चुनाव के लिए ही, उसकी अभी 28 तारीख लगेगी। तो जो कोर्ट डिसाइड करेगी हम चुनाव करा देंगे। हमने ये नहीं कहा कि अभी चुनाव नहीं होंगे, पहले तो यहाँ की मेंबरशिप बनेगी, क्योंकि 8-10 साल से मेंबरशिप ही नहीं कटी तो चुनाव कैसे हो जाएंगे आप मुझे ये बताइए। फिर उन्होंने हमारे ऊपर कोर्ट में केस डाला हुआ है, जब तक कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा हम चुनाव कराने का अधिकार नहीं है हमारे को, कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी। अब इन्होंने कोर्ट में केस डाला तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, कोर्ट कहेगा कल चुनाव करा दो तो हम कल चुनाव करा देंगे। अब कोर्ट के ऊपर है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा हम कोर्ट मानने कोर्ट का आदेश मानेंगे। जो आपकी मार्केट मैंने देखी चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरी हुई है, और कुछ दिन पहले एमसीडी से एक एलआई भी यहाँ आए थे कार्रवाई के लिए, तो उनको यहाँ रोका गया, उनको बैरंग लुटाया गया, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखो जी, अभी हमने एक बाइट सुनी थी, जो प्रेस रिपोर्टर थे कोई, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने बाइट दी थी, उसमें मनोज माल्यान जी कह रहे हैं कि जी एमसीडी वालों के साथ कुछ भी हो सकता था। मैं भाई साहब मार्केट का प्रधान हूँ, मैं अपनी मार्केट के लिए लड़ाई भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मार्केट की किसी भी दुकानदार की एक टेबल नहीं उठने दूंगा जब तक मैं यहाँ प्रधान हूँ। हम अपनी मार्केट को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, हमारी पुलिस से भी कोई लड़ाई नहीं है, एमसीडी से भी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब मैं प्रधान हूँ तो मैं अपनी मार्केट की एक भी टेबल नहीं उठने दूंगा जब तक मैं प्रधान हूँ, मेरा ये विचार है। अभी ओम प्रकाश चांडिल जी ने कहा कि मनोज माल्यान जो मार्केट के एवीटीए के पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि एमसीडी से जो एलआई आए थे उनके साथ यहाँ भी कुछ भी घटना हो सकती थी, तो जब पुलिस वाले उनके साथ थे, एलआई के साथ थे, यहाँ पे काफ़ी दुकानदार भी थे, तो उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना किस तरह घट सकती थी? आदेश बंसल जी, जो कि यहाँ पर बंसल कोने के नाम से कई सालों से दुकान चलाते हैं, आज हमारे साथ में है, तो बंसल जी आप हमें बताएं कि जैसा कि सुरेंद्र कुमार जो पूर्व प्रधान रहे हैं, उन्होंने जो प्रधान है ओम प्रकाश चांडिल, उन पर आरोप लगाया कि वो यहाँ से उगाही करते हैं दुकानदारों से, तो क्या कभी उन्होंने आपसे पैसा मांगा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी कोई आपस की क्या बात है मेरे को नहीं पता, मगर मेरे से ऐसी कोई डिमांड नहीं हुई कभी। जो आपको कहीं कुछ सच्चाई नजर आती है उनकी बातों में? मैं कुछ नहीं कह सकता, सच्चाई कैसे होगी, सच्चाई तो मुझे सामने कोई हो तो बताऊं मैं सच्चाई है। जैसा कि अभी यहाँ के जो दुकानदार है आदेश बंसल जी, इन्होंने साफ साफ कहा कि हमसे आज तक कभी किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा और ना ही कोई उगाई की। दीपचंद बंधु मार्केट में पिछले कई सालों से देवेंद्र कुमार जी यहाँ पे फूलों की दुकान लगाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देवेंद्र जी, आप हमें बताएं कि पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार पे ने जो नए प्रधान है ओम प्रकाश चांडिल पे एक आरोप लगाया है कि वो यहाँ से दुकानदारों से उगाही करते हैं, तो क्या कभी आपकी दुकान से उन्होंने उगाही की है, आपसे कोई पैसा मांगा है? हमारे दुकान से कोई उगाही नहीं। आपको क्या लगता है उनकी बात में कोई सच्चाई है? देखो, वो तो वही बताएंगे इसके बारे में तो क्या होना चाहिए। जैसा भी अभी आपने देखा कि हमने दो दुकानदारों से पूछा उगाही के बारे में कि क्या उनसे जो इस समय प्रधान है ओम प्रकाश चांडिल, उन्होंने पैसा मांगा, उन्होंने उगाही किया, तो इन्होंने साफ इनकार किया है। तो मैं शाम माहौर और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। आपकी न्यूज में आपने अभी तक देखा कि एवीटी के पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार द्वारा जो इस समय प्रधान है ओम प्रकाश चांडिल, उन पर आम सभा को रद्द करवाने के आरोप लगाए। इस आरोप का उन्होंने प्रधान चांडिल जी ने बेबाक के साथ जवाब दिया। आपकी न्यूज में आपने ये भी देखा कि एक एलआई जो एमसीडी के अधिकारी थे जो मार्केट के अंदर कार्रवाई के लिए आए थे, वो उनका उन्होंने विरोध किया, उनके साथ में एक व्यक्ति और थे वरुण शर्मा जो कि हमारे साथ में हैं, हम उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि ये उनके ऊपर क्यों बढ़ रहे थे, वो इतने आक्रोश के अंदर क्यों थे। वरुण जी, आप हमें बताएं कि जब आपकी मार्केट के अंदर एमसीडी के एलआई कार्रवाई के लिए आए थे तो आप उन पर क्यों भड़क रहे थे? सर, मुझे ना एग्जैक्ट डे तो याद नहीं, बट मैं जब सुबह आया तो मैं मार्केट के फ्रंट गेट पे गया था, जी प्रधान जी ओम प्रकाश जी अंकल खड़े हुए थे और वो एमसीडी और पुलिस आ रही थी,
तो पहले वो उनसे बात कर रहे थे कि भाई आपके पास कोई परमिशन है रिगार्डिंग दी रेड तो आप हमें दिखाओ, क्योंकि काफी पुलिस थी और एमसीडी अधिकारी सीधा अंदर आए और बिल्कुल एंटर होकर वो कह रहे हम बीच में जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोका। तो वो कंप्लेंट रिगार्डिंग सर फिफ्थ मंथ की ये कंप्लेंट थी जो कि उन्हें दिखाई गई और उनसे पूछा गया सर रिगार्डिंग दिस कंप्लेंट आप क्या एक्शन आपने अब तक कंडक्ट किया है। उन्होंने कहा जी इसकी मेरा मतलब नहीं है, मेरे को जो वो पर्पसफुली किसी चीज को पिक एंड चूज कर रहे थे सर, वहां पर खड़ी सारी पुलिस सबको हमने सिर्फ एक चीज कही कि सर पिक एंड चूज मत करिए, आपके पास कोई परमिशन है रिगार्डिंग दिस पिक एंड चूज तो आप दिखा दीजिए, आप जो मर्जी करिए, आप ए टू जेड सारी मार्केट की एंक्रोचमेंट हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरी बात हो रही थी। वो सर स्पैन ऑफ अ वीडियो जरा सा वो मैंने उनसे जरा सा बोल दिया वो दिखाए जा रहे हैं, पूरी कन्वर्सेशन तो दिखाई नहीं। वरुण जी अभी आपने कहा कि पिक एंड चूज, हाँ जी, जिसके तहत वो LI कार्रवाई करना चाहते थे, हाँ, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि LI जी जो आपकी मार्केट में कार्रवाई के लिए आए थे, हाँ, वो किसी नेता के सहारे पर आए थे या किसी जनप्रतिनिधि के सहारे पर आए थे या किसी MCT के बड़े अफसर के दबाव में यहाँ कार्रवाई के लिए आए थे? सर ये देखिए ये पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो अपने एजेंडे अपने आप करें, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने करना है तो पिक एंड चूज मत करिए, ए टू जेड जिसका भी है आपका भी है किसी जनप्रतिनिधि का भी कुछ है सब तोड़ दो ना, आप मार्केट के फ्रंट से शुरू करो एंड तक करते चले जाओ। सर ये कंप्लेंट है, इसके रिगार्डिंग हमारी DC मैम से वंदना राव जी से पर्सनल मीटिंग हुई, उसमें हमने उनको बोला मैडम मार्केट में अगर आपको कोई भी एंक्रोचमेंट दिखती है आप हटा दीजिए, मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग एनी एंक्रोचमेंट। आप एक बात बताइए, उनको मैं 9 दुकानों के एंक्रोचमेंट के नाम खुद देकर आया हूं, मैं कैसे जाकर कह दूंगा जी ये मत उठाओ ये उठाओ, कोई कहीं तो सर बात में कहीं फिजिबिलिटी तो होगी जी मैंने उन्हें रोक दिया, मैंने उन्हें नहीं रोका, मैं उन्हें कह रहा हूं सर आप एक चीज उठाओ तो फर्स्ट से एंड तक उठाओ, ये नहीं बीच में घुस जाओ और जाकर वरुण जी तोड़ दो। वरुण जी अभी हमने आपकी न्यूज ने आपकी मार्केट में विजिट की है तो हमने यहाँ देखा कि काफी हद तक यहाँ पे जो अतिक्रमण है PWD का जो नाला है उस तक को घेर के उस पर कब्जा करके खोखर डाले हुए हैं, तो आपने अब तक इसकी कभी कहीं पर कोई शिकायत की है? सर अब मैं बोल दूंगा तो फिर प्रदीप ऑमलेट के ऊपर हमने जाकर कहा उसने मार्केट की PWD की दीवार तोड़ के अंदर तक कब्जा कर लिया है मार्केट के अंदर, हमने उसे कहा भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो हैं, 25 गुंडे जान से मारने की उससे हमारे प्रधान के पास आ गए, पूरी वीडियो बनी हुई है, हमने उसकी थाने में कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ सर, 25 गुंडे सोनीपत से मेरे पास, मैं फोन में आपको सुनवा सकता हूं उनसे कन्वर्सेशन है, मेरे पास नहीं है और प्रेसिडेंट के पास है ओम प्रकाश अंकल के पास है वो सुना देंगे आपको, थाने में दी कोई मैटर ही नहीं है सर, हमारे पास सारी DD है, कोई सन्नी नाम का लड़का था सोनीपत का और उसने 25 लड़के उसके साथ थे गुंडे प्रॉपर, वो कहते हम मर्डरर हैं 5 साल से वो कर रहे हैं, आपके अंदर दम है इसे बंद करो, ना कोई नेता बंद करवा सकता ना कोई DC बंद करवा सकती ना कोई कमिश्नर बंद करवा सकता, ये रहा एक कदम पे DCP ऑफिस, क्या क्या पुलिस नहीं उठा सकती सर, पीछे सर तह बाजारी है या जो भी है नाले के ऊपर, पहले तो तह बाजारी लगती नहीं, रोड फेसिंग होती है उसने पीछे भी खोल लिया, चलो जी पीछे भी खोल लो, दीवार तोड़ दी तोड़ लो, अतिक्रमण और एंक्रोचमेंट करके मार्केट के अंदर भी फैला ली अपनी दुकान, बताओ दादा तंदूरी है ये है पीछे वो अपना भाई जी कचोरी है, 9 दुकानों की कंप्लेंट देकर आए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, प्रॉपर गुंडा राज है जी, अब MCD का है जनप्रतिनिधि का है मैं नहीं जानता किसी को, मैंने एक कंप्लेंट दी उस पर कोई सुनवाई नहीं है और ये रही उसकी कॉपी टू दी MCD डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर, और सर ये वंदना राव जी के पास हमने दी और उन्होंने खुद अपने हाथ से नाम लिखे जो इसमें मिसिंग थे, उन्होंने मेरे सामने बुलाया असिस्टेंट कमिश्नर और उन्होंने दी, हमने विधायक राजेश गुप्ता जी को भी दे रखी है, उनकी तरफ से भी यहां पर कोई वो नहीं हुआ, जबकि उनसे जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था ये गलत। जैसा कि अभी आपने देखा कि वरुण शर्मा जी ने कहा कि जब उन्होंने अतिक्रमण की शिकायत करने की कोशिश की तो उनके ऊपर हमले के लिए गुंडों को भेजा गया, किसने भेजा ये इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, इन्होंने कहा कि मार्केट में जो अतिक्रमण है उसकी हमने विधायक राजेश गुप्ता जी से भी शिकायत की है
और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी शिकायत की है, और एमसीडी की जो डीसी हैं उनसे भी उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं शाम माहौर और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़।